नमस्ते बच्चों, आज हम जो एकांकी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महाभारत की एक सांझ, और इसके एकांकीकार हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। तो बच्चों, पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। तो महाभारत की एक सांझ एकांकी के एकांकीकार हैं भारत भूषण अग्रवाल। परिचय: कवि, लेखक और समालोचक भारत भूषण अग्रवाल जी का जन 3 अगस्त 1919 को मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के सतघड़ा मोहल्ले में हुआ। पैतृक व्यवसाय से दूर, यानी उनके पिता जो व्यवसाय करते थे, जो बिजनेस करते थे, उससे हटकर उन्होंने साहित्य रचना को ही अपना कर्म माना। उनका निधन यानी उनकी मृत्यु 23 जून 1975 को हुआ। उनका पहला काव्य संग्रह यानी पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, छवि के बंधन, जिसका नाम है, वो पहला काव्य संग्रह जो कि 1941 को प्रकाशित होने के बाद वे मारवाड़ी समाज के मुखपत्र समाज सेवक के संपादक यानी एडिटर होकर कलकत्ता गए। भारत भूषण जी तार सप्तक, जो 1943 में प्रकाशित हुई, में महत्वपूर्ण कवि के रूप में सम्मिलित हुए और अपनी कविताओं तथा वक्तव्यों के लिए चर्चित हुए। प्रयोगवाद व नई कविता की व्यक्ति परक काव्य धारा में भारत जी की मुख्य भूमिका रही है। अपनी व्यंग मुखर प्रखरता के नाते उनकी रचनाएं जहां अपने समकालीनों से सर्वथा अलग प्रतीत होती है, वहां आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनी हुई है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: बहुत बाकी है, अनुपस्थित लोग, कागज के फूल, प्रसंगवश और कवि की दृष्टि। महाभारत के एक सांझ के जो पात्र हैं उनसे परिचित होते हैं। इसमें धृतराष्ट्र जी हैं, जो महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जो दुर्योधन के पिता थे, पांडु इनके छोटे भाई थे। संजय, ये भी एक मुख्य पात्र हैं। धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र, और बच्चों असल में इनका नाम सुयोधन था। दुर बुरे के संदर्भ में आता है, और कोई भी माता पिता अपने संतान को बुरा नहीं मानता है। दुर्योधन बुरा धन नहीं था, उनके माता पिता ने उनका नाम सुयोधन रखा था, लेकिन अपने कुकर्मों की वजह से उनका नाम दुर्योधन पड़ गया। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े, भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। और ये जो महाभारत की सांझ एक एकांकी है, उसका स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा, जलाशय यानी तालाब। और समय क्या है? सांझ। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने के कारण, ज्येष्ठ यानी बड़े होने के बावजूद भी, वे राज सिंहासन पर नहीं बैठ सके, और छोटे भाई पांडु को सारी सत्ता यानी शासन मिल गई। पांडु की मृत्यु के बाद राजा का बड़ा पुत्र युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने का अधिकारी था, पर यह दुर्योधन को बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वह सदैव के लिए राज सिंहासन से वंचित रह जाएगा, यह सोचकर उसने पांडवों को अपने मार्ग से हटाने के लिए अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर कई षड्यंत्र रचे। उसके मन में पांडवों के प्रति शत्रुता की भावना बचपन से ही थी, और बच्चों यह शत्रुता की भावना, यह ईर्ष्या की भावना उसके स्वयं के मामा शकुनी ने ही उसके अंदर बोए थे।
पृष्ठभूमि क्या है बेटा बच्चों महाभारत की एक सांझ की? महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा लिखित प्रसिद्ध एकांकी है। यह पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित एकांकी है, क्योंकि यह जो कथा है महाभारत ये पौराणिक है। यह कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, उनके 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। उनके छोटे भाई का नाम पांडु था। जन्मांध होने के कारण वह राजा नहीं बन सके, इसीलिए पांडु राजा बने। उनके 5 पुत्र थे पांडु के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुछ समय बाद पांडु धृतराष्ट्र को राज्य सौंपकर वन चले गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। कालांतर में जब युधिष्ठिर ने राज्य पर अपना अधिकार मांगा तो दुर्योधन बौखला गया। सदाचारी पांडव 5 ग्राम यानी गांव लेकर भी संतुष्ट थे, पर दुर्योधन उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। इसी बात पर महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। युद्ध के अंत में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। तो इस तरह से महाभारत होता है, महाभारत का युद्ध होता है जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था और यह युद्ध 18 दिनों तक चला। कौरव पक्ष 100 कौरव, बहन दुशाला का पति जयद्रथ, भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा, कर्ण आदि ये कौरव सेना में थे। और पांडवों की सेना में 5 पांडव, श्री कृष्ण, विराट पांचाल, नरेश, द्रुपद, उनके पुत्र दृष्टद्यु, शिखंडी आदि थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे, अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे कि वह अपने ही परिजनों से, अपने ही गुरु और अपने ही भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहता है। तब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अपना विराट रूप दिखाकर यह समझाया कि जो भी जिनको भी वह देख रहा है, उसके भाई बंधु या पूरी पूरी कौरव सेना, सब में वे समाहित है यानी कृष्ण समाहित है और आत्मा अमर होती है, उसे कोई मार नहीं सकता। संजय महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र और धृतराष्ट्र का सारथी यानी रथ चलाने वाला था। महाभारत युद्ध की शुरुआत में महर्षि वेद व्यास की कृपा से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वह हस्तिनापुर स्थित महल में बैठकर भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का हाल अंधे धृतराष्ट्र महाराजा को सुनाता था। आपकी एकांकी बच्चों शुरू होती है इन्हीं पंक्तियों से। धृतराष्ट्र जी कहते हैं, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी संजय कहते हैं, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन, बच्चों जैसा मैंने कहा दुर्योधन का नाम दुर्योधन नहीं सुयोधन था, इसलिए संजय जी अपने वक्तव्य में सुयोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आत्मरक्षा का और कोई उपाय न देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर यानी तालाब में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठे रहे, पर न जाने कैसे पांडवों को इसकी सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। भीम युधिष्ठिर से कहते हैं, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर। वे अहेरी, अहेरी यानी शिकारी, कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इस जल में छुपते हुए देखा। युधिष्ठिर कहता है, आओ
हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। तभी युधिष्ठिर पुकार कर कहता है, ओ पापी, अरे ओ कपटी दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति जल में छुपा बैठा है? बाहर निकला, देख तो काल तुझे ललकार रहा है। भीम, कोई उत्तर नहीं। दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात की तुमने कल्पना भी कैसे की, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता है, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय? तभी दुर्योधन जल में जो छुपा बैठा था वह निकलता है और कहता है, हंस लो दुष्टो, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूं, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर कहता है, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है, हम तेरी थोती यानी बकवास बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों बंधु बांधवों का निर्ममता से वध करने वाले महात्मा पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक बुझी नहीं है, यह मैं जानता हूं। पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है, वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। तो भीम कहता है, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। किस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, घृत यानी घी, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगा। दुर्योधन, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थककर चूर हो गया हूं, मेरी सभी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच फट गया है, मेरे शास्त्रास्त्र चूक चुक गए हैं, मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था? युधिष्ठिर, 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण यानी कमजोर हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे? इतनी प्रवंचना न करो। दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो, तुम्हारा दंभ है कि तुम अधर्म नहीं करते, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा धर्म हो, सोचो तो। भीम, अच्छा तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ, सच है कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर, ओ पामर, पामर यानी दुष्ट नीच, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक, यानी यहाँ पर अभिमन्यु की बात की जा रही है, जब एक निहत्थे बालक को 7-7 महारथियों ने मिलकर मारा था, जब आधा राज्य तो दूर
सुई की नोक के बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई देता है। धिक्कार है, तेरे ज्ञान को धिक्कार है, तेरी वीरता को धिक्कार है। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है युधिष्ठिर, मुझे खेद है मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूं, तुमसे इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। विरक्ति यानी अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं इन सब से मुझे कोई रुचि नहीं है। इस रक्त रंजित खून से सने सिंहासन पर बैठकर राज्य करने को मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। सुयोधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। भीम कहता है, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरी यह सारी कूट नीति व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन, अप्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर आता हूं। और वह बाहर निकल आता है। पर मैं पूछता हूं युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना ही मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों रचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी पूरी ना हो सकेगी। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसो, यदि तुम्हारी हिंसा इसी बात से तृप्त होती है तो ले लो मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से ना बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी क्या करूंगा? लो उठाओ अस्त्र और उड़ा दो मेरा शीश, अब देखते क्या हो। मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं, ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? युधिष्ठिर, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी ना कहलाएंगे, बधिक यानी हत्यारा भी ना कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच और अस्त्र देंगे, तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है, मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जयस्तंभ उठाए तो फिर यही सही। चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी उन्हें मुंह तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। संजय, इस प्रकार महाराज पांडवों ने विरक्त सुयोधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा।
सुयोधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं को वरण करेगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने सुयोधन की जंघा पर गदा का भीषण प्रहार किया। कुरुराज यानी सुयोधन दुर्योधन आहत घायल होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। यह सुनकर धृतराष्ट्र जी कहते हैं, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह मैं नहीं सह सकता। संजय कहता है, धैर्य रखे महाराज, कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्णधार हैं। धृतराष्ट्र, संजय बदलाने की चेष्टा ना करो, पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज ठीक यही बात सुयोधन ने कही थी। धृतराष्ट्र, क्या क्या कहा था सुयोधन ने, कब? सुयोधन आहत होकर भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जय ध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करके चले गए। फिर युधिष्ठिर आए, सुयोधन के पास आकर वह झुके और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन दुर्योधन आंखें खोलो, दुर्योधन। कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो, अब क्यों आए हो, क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, वह मैंने दे दिया, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम्हें ईर्ष्या है? जाओ जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया, अब शांति से मर तो लेने दो युधिष्ठिर, जाओ चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने गलत समझा दुर्योधन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि दुर्योधन के अंतिम समय में किस तरह निसहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प कर दम तोड़ता हूं, मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो ना, मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो। हरे निर्दय, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी जो सुख से मरने भी नहीं देता, वही धर्म का ढोल पीट पीटे, कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था, मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, यदि ऐसा हो तो मैं तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्या अभिमानी, अब भी दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर, यह तुम क्या कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन, दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। क्या अब भी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दय, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने ना कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेंगी,
तुम्हारे कृत्यों यानी कार्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर दुर्योधन मुझे दुर्योधन कहेगा, यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं मुझे मारकर भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित यानी रक्त लाल रंग की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने में क्यों चूकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, उसकी देह को ही नहीं उसका नाम तक मिटा दोगे, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे मरने पर तुम जो चाहे करना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा, पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है उसे इतना न्याय तो दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने सदा न्याय ही किया है सुयोधन, न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चूका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का वह करुण चीत्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त है। पर सुयोधन, मैं संहार के इन दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो भी मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन, यह दंभ है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वह आत्म प्रवंचना है। आत्म प्रवंचना अर्थात अपने आप को धोखा देना है, मैं उससे घृणा करता हूं। युधिष्ठिर, स्वार्थ? दुर्योधन, स्वार्थ? दुर्योधन, और नहीं तो क्या? जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना? यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते हो? युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो, क्या वो तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी यह सोचा कि जिस राज्य पर तुम अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्म अधिकार से? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे, राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार ना था, वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, यह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया, तब उसके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राजनियम यह नहीं कहता? दुर्योधन, राजनियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था, वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है, आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेश प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी इस ऐसी बात नहीं की। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक यानी कारण तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हट ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने ना देखा, और जानते हो इसका कारण क्या था? युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे।
कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप कर रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता। दुर्योधन कहते हैं, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उनका उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही? पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता था। शोणित तर्पण यानी रक्त से, पूरा रक्त से मुक्ति चाहता था। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। तुम प्रलाप यानी बकवास, बेकार की बात कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन पर का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि हरे हैं, चित्र मेरी दृष्टि में है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज्य दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूं आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन ना लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहां तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या ना भूले और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास यानी अपने आप ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ ना था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, दुर्योधन बात काटकर, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था। तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी।
युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मथे मढ़ा गया और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो दुर्योधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या है। दुर्योधन, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी यानी मन की बात जानने वाले अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित यानी वीर जैसा कार्य करते हैं वैसा कर्तव्य करना पड़ा। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? दुर्योधन, एक-एक बात पर कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु वध में ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वही क्या वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सार बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निस्सहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ पड़ा हूं। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए पुरस्कार निर्धारित किया गया था। युधिष्ठिर, सुयोधन, तुम्हें भ्रांति यानी भ्रम हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या का भेद करने में असमर्थ। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर। मरणोन्मुख यानी मरने वाले भाई से दुराव करते तुम्हारा हृदय नहीं पसीजता? कुछ क्षणों में ही मैं इस लोक की सीमाओं के परे पार पहुंच जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजस्व को कोई हानि ना पहुंचेगी। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न रह होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था। मैं अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ा आ रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। और उधर वे मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति वे मुझे निगल लेंगे। युधिष्ठिर, जाओ जाओ, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज्य सिंहासन पर विराजो। मैं तुम्हारे चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूं। इतने उत्तेजित ना हो दुर्योधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह अचूक है। दोषण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने के पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूं। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी।
तक तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूं। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, केवल एक दुख मेरे साथ रहेगा। युधिष्ठिर पूछते हैं, क्या? दुर्योधन कहता है, यही यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो। तो बच्चों, हमने देखा भारत भूषण अग्रवाल जी ने सुयोधन का एक नया पक्ष अपने इस एकांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया है और वह पक्ष उन्होंने तार्किक रूप से प्रस्तुत किया है। आशा है आपको यह एकांकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।